हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबैन सेट्टी में स्वागत है। और आज घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और अभी ये मॉर्निंग के टाइम का है सुबह में। और यहाँ पे मम्मी खाना बनाने की तैयारी कर रही है। गांव में तो सबके सुबह में ही खाना बन जाता है क्योंकि गांव में जल्दी सब खाना खा लेते हैं। इसी वजह से हम लोग भी गांव के हिसाब से ही चलते हैं। मतलब अगर सब जल्दी बनाते हैं तो हम लोग भी बना लेते हैं सुबह में, क्योंकि गांव में सुबह में ना धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर काम नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से सुबह में ही खाना बना लेते हैं। और यहाँ पे गांव में ना हमारा चावल, मतलब जो खेत से निकलता है ना चावल गेहूँ, और सब यहाँ पे मम्मी ने ड्रम में भर के रखा था क्योंकि हम लोग रहते नहीं हैं यहाँ पे। इसके वजह से उसमें कीड़ा वगैरह पड़ जाता है। हमारे यहाँ पे घुन बोलते हैं जो होता है ना, घुन, वो पड़ जाता है। इसकी वजह से उसमें जो लाल मिर्च होती है ना, जो आखी साबुत वाली, वो डाला है सूखा मर्चा ताकि उसमें ऐसा घुन वगैरह ना पड़े, वरना उसमें पूरा घुन लग जाएगा तो पूरा चावल ख़राब हो जाएगा। और बहुत दिन के बाद हम लोग आते हैं, इसकी वजह से ख़राब ना हो जाए। इसकी वजह से नीम का पत्ता भी डाल सकते और सूखा मिर्चा भी डाल सकते हैं ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। और यहाँ पे भी देखो साफ़ सफाई सब कुछ हो चुकी है। पापा ने सुबह उठ के सब कुछ साफ़ सफाई कर लिया है। और अभी धीमे धीमे ही रहते रहते ही साफ़ सफाई होती है क्योंकि इतने दिन से घर बंद हुआ, बंद रहता है ना तो लग जाता है 4 या 5 दिन साफ़ सफाई करने में, थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन में साफ़ नहीं होता है। और यहाँ पे मम्मी चावल बना रही है, मतलब जो रखा हुआ था ना चावल ड्रम में भर के, वो मम्मी यहाँ पे चावल बना रही है। क्योंकि बना के रख देगी ना तो फिर सुबह में खाना मतलब जल्दी बन जाता है। और मतलब चावल में ना बहुत सारा ऐसा हो गया था कचड़ा वगैरह सब, तो वो सब साफ़ कर रही थी मम्मी यहाँ पे बैठ के। और क्योंकि पहले से साफ़ करके रख देते हैं ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि जब बनाने के टाइम पे अब डाल सकते हैं जल्दी से अगर खाना बनाना हो तो। और यहाँ पे जो खड़े हैं ना वो मेरे भाई है, इन्हीं की भाई की शादी है तो उसमें हम आए हैं। और ये भी मेरे बड़े पापा के लड़के हैं जो वहाँ पे खड़े थे। और यहाँ पे देखो ये जो सामने खड़े ना वही, ये हमारा हमारे घर का छोटा सा ओटला है, ज़्यादा कुछ अभी नहीं बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे बस सीढ़ी और ऊपर एक रूम बनाया है और यहाँ पे हमारा छोटा सा ये आंगन है। और हमारे आंगन में एक नीम का झाड़ भी लग गया है ताकि मतलब बाहर आंगन में बैठे ना तो धूप वगैरह ना लगे, और छांव भी रहता ही है। तो अभी यहाँ पे देखो ये जो है ना पूरा बंद करके रखा हुआ है क्योंकि हम लोग रहते नहीं है ना, तो सीढ़ी वगैरह पे सब बच्चे लोग चढ़ेंगे तो सब ऊपर कुछ भी सामान वामान इधर उधर हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे पूरा ईटा लगा घेरा हुआ है। और यहाँ पे देखो पानी पूरी का जो पूरी होता है ना, वो शादी में हम जिस दिन आए थे ना उसके एक दिन पहले शादी थी, मेरी बड़ी मम्मी की लड़की की, उनकी शादी बीत गई, उनके बाद हम लोग आए क्योंकि हमारा टिकट लेट निकला था, इसकी वजह से हम लोग उनकी शादी में नहीं आ पाए। तो अभी इस साल बहुत सारी शादी है, मेरे नानी के घर पे भी शादी है और यहाँ पे भी शादी है। तो इसकी वजह से जहाँ पे भी मतलब जिस हिसाब से टिकट निकला है, अगर उस हिसाब से अगर जिसका शादी पड़ा उसमें हम लोग जाएंगे, या फिर पहले अगर पड़ जाएगा तो हम लोग, क्योंकि टिकट उस टाइम पे नहीं निकाल पाए थे। और यहाँ पे जो लगाया हुआ है पूरा ईटा से घेर के रखा हुआ है। और यहाँ पे देखो अभी भी थोड़ी बहुत ऊपर की साफ़ सफाई चल रही है क्योंकि ऊपर में भी बहुत सारा सामान रखा हुआ था। और देखो पूरा खाली कर दिया है ऊपर क्योंकि इतने दिन से हम लोग थे नहीं ना, तो चूहा वगैरह ने सारे कपड़े और जितने भी गोनी वगैरह थे ना सारे सब काट दिए थे। तो इसके वजह से पापा ने पूरा नीचे सामान उठा के नीचे रख दिया ताकि ऊपर से पूरा साफ़ सफाई हो जाए। और ऊपर 4-5 साल से साफ़ सफाई हुई नहीं थी तो इसकी वजह से सारे कपड़े और जितने गोनी वगैरह थे ना सब कुछ चूहे ने काट दिया था। और इसकी वजह से अभी यहाँ पे पूरा जितना भी था ना वो सब निकाल के अलग करके रखना पड़ेगा। और क्योंकि घर बंद रहता है तो फिर चूहे वगैरह तो आएंगे ही,
तो फिर इसकी वजह से जो अभी नुकसान हो गया है, अभी उसको सब फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना दूर से सब कुछ लेके आना फिर बाद में यहाँ पे सब नुकसान हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे देखो सारे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, और हमारे बचपन के सारे कपड़े, ये मेरा फ्रॉक है बचपन का, मम्मी बोल रही थी जब तू छोटी थी ना तब लिया था हमने, ये मेरे बचपन का फ्रॉक है, क्योंकि गांव में सारे कपड़े रखे हुए हैं हमारे बचपन के, और बहुत सारे थे, लेकिन मैं जितना हो सकता है उतना दिखाती हूँ। ये वाला भी मेरा एक टी शर्ट जैसा था, इसके नीचे पैजामा भी था सेम कलर का, और यहाँ पे ये देखो ये पैजामा है उसके नीचे का, और ऐसे करके बहुत सारे कपड़े, कम से कम 2 गोनी भर के हम, मेरा और मेरे भाई लोग का छोटे बचपन का कपड़े सारे रखे हुए। ये देखो ये मेरे छोटे वाले भाई का है कपड़ा, मेरा छोटे वाला या फिर बड़े वाले भाई का है, क्योंकि बचपन के सारे कपड़े सब ऐसे रखे हुए, मम्मी ने फेंका नहीं है, मतलब मम्मी बोलती है कि जब बड़े हो जाएंगे बच्चे तो दिखाएंगे उनको कि सारे बचपन के सारे कपड़े इन लोग के। और यहाँ पे मेरे फ्रॉक वगैरह सब और शर्ट और सब जितने भी थे, और ये मेरे बचपन का तकिया है, मम्मी ने बनाया था छोटा, बचपन में मैं लगाती थी, मम्मी बोल रही थी कि बचपन में हम लोग लगाते थे। और यहाँ पे छोटा 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 कपड़ा बहुत सारा है, टी शर्ट वगैरह, और ये देखो फ्रॉक वगैरह सारे कपड़े मेरे रखे हुए हैं, मेरे भाई के सारे कपड़े सब कुछ रखे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये टी शर्ट भी है, ऐसे करके बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया, थोड़े बहुत ही दिखाए हैं। और ये स्कर्ट है मेरा, स्कर्ट भी बहुत सारे थे और छोटे छोटे, क्योंकि अभी ये सब तकिए में भर देंगे, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े फेंकते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे मम्मी लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चों के कपड़े नहीं फेंका जाता है। तो यहाँ पे देखो मेरे सारे फ्रॉक, बहुत सारे डिजाइन के थे मेरे फ्रॉक कलरफुल, और यहाँ पे देखो सारे कपड़े भर भर के रखा हुआ है, और ये वाइट कलर का फ्रॉक मेरा, ये सब कुछ ऐसे रखा हुआ था सब गोने में भर भर के, और ये मेरे भाई का शर्ट टी शर्ट सब कुछ रखा हुआ है। और जब मम्मी ने खोला था तो सारे कपड़े निकल रहे थे एक एक करके, तो अभी इसको सारे तकिए के अंदर भर देंगे, और का 4-5 तकिया तो बन जाएगा इसमें, क्योंकि गांव में तो ऐसे करते कपड़े को फेंकते नहीं है, और उसमें कपड़े वगैरह जितना भी होता है सब तकिए वगैरह बना देते। और ये कुर्ता पैजामा है छोटा छोटे बच्चों का, और ये देखो इतने छोटे छोटे कपड़े सारे, अभी तो मुंडी भी नहीं घुसेगा हमारा इसमें।